ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಪೇಪರ್ ಪೆ ಹೋತಿ ಹೇ ಔರ್ ವಿಕಾಸ್ ಬಿ ಪೇಪರ್ ಪರ್ ಹೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಅಬ್ ಜೋ ಮೇ ಬತಾನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೂಂ ವೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಯುವಾ ಸಾಥಿಯೋ ಕೋ ಬಹುತ್ ಧ್ಯಾನ್ ಸೆ ಸುನ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ कांग्रेस ने यहां कर्नाटका में वादा किया है कि अगले 5 ईयर में प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां देगी, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। ये कांग्रेस ने गारंटी दी है। देखिए झूठ कैसा बोलते हैं। कर्नाटका का युवान समझता है ये झूठ पकड़ जाएगा, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरी, यानी हर साल 2 लाख जॉब। ये कांग्रेस का झूठ देखिए, हर साल 2 लाख जॉब। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस कैसे लोगों को धोखा दे रही है। कर्नाटका में बीजेपी सरकार सिर्फ 3.5 साल से है। येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने मिलकर के 3.5 साल उनको मौका मिला। यह ऐसा समय है जब पूरी दुनिया महामारी के संकट और उसके प्रभावों से जूझ रही है। इसके बावजूद कर्नाटका की बीजेपी सरकार में हर साल कर्नाटका में 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बढ़ी है, 13 लाख से ज्यादा हर वर्ष। अब आपको समझ आया कहां उनकी बातें और कहां हमारा काम। हमने कर्नाटका युवाओं के लिए हर साल 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बनाई है, और कांग्रेस आपसे वादा कर रही है कि वो हर साल 2 लाख फॉर्मल जॉब उपलब्ध कराएगी। इसलिए ही मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार कर्नाटका को रिवर्स गियर में डाल देगी, रिवर्स गियर में। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बंधु भगिनी रे, जैसी कांग्रेस की नीतियां है उससे इन्वेस्टर्स कर्नाटका से बाहर ही जाएंगे। बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो कानून बनाए उनको कांग्रेस खत्म करना चाहती है। जब इन्वेस्टर पड़ोस के राज्यों में चले जाएंगे तो कर्नाटका के युवा, कर्नाटका के श्रमिकों को बहुत नुकसान होगा। शिवमोगा तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का हब है, या अनेक फाउंड्रीज है। आज भारत दुनिया का 3रा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। एक तरफ बीजेपी मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन्वेस्टमेंट को रोकने की साजिश कर रही है।